गुड मॉर्निंग जोहार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और 4 दिनों के बाद देखिए, मैं दिखाती हूँ, आज जाके धूप निकला है और सारे कपड़े मैंने फिर से धूप में दे दिए हैं। कुछ कुछ सूख गए हैं तो मैंने अंदर कर दिए हैं। और माँ और बाबा दोनों अभी, बाबा तो नाश्ता खा ही रहे हैं, माँ को मैंने खिला दिया है। और चलिए आज का दिन शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। देखिए, 4 दिनों के बारिश में मेरे घर का क्या हाल हुआ पड़ा है। पानी 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 पानी, देखिए। देखिए, ये मैंने पोछा नहीं लगाया हुआ है, ये पानी रिसता है अंदर से। रिसता, हाँ रिस नहीं बोलते हैं शायद, हाँ अंदर से। जब भी बारिश होती है तो ये एकदम बरांडा और ये रूम सब ना पूरा पानी पानी हो जाता है, अंदर से पानी रिसता है तो गिज 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 टाइप का हो जाता है पूरा, एकदम चलने फिरने में भी बहुत फिसलन वाला ये हो जाता है। तो लेकिन क्या ही करें, पता नहीं कुछ अंदर में शायद ना, इसको जब प्लास्टर ये हो रहा था तो शायद इसमें बालू का जो मात्रा है शायद इसमें ज़्यादा पड़ गया होगा। ऐसे बहुत कोई मतलब बोलते हैं, जब भी कोई आते हैं देखते हैं तो ऐसे बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैंने भी बहुतों से पूछा है तो बहुतों ने यही क्या है सजेस्ट किया है कि आप इसको फिर से मरम्मत करना पड़ेगा, पहले मतलब और एक लेयर शायद प्लास्टर चढ़ाना होगा, तब जाके इसका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। अभी अभी एकदम तेज़ धूप था, देखिए अभी बादल किया है थोड़ा बहुत और छांव किया है। क्या खेल खेल रहा है मौसम, पता नहीं कितना सारा तेल लगाया हुआ है मैंने। देखिए, बहुत दिनों से लगाया हुआ नहीं था मैंने, मतलब ऐसे तो मुझे तेल लगाना पसंद है लेकिन लेकिन क्या, कुछ दिनों से मैंने लगाया हुआ नहीं था, 2-3 सप्ताह होते होंगे। मुझे पके हुए आम दिख रहे हैं पर बहुत ऊंचाई में, दिखाती हूँ। देखिए देखिए ना, ये वाला आम बहुत सॉरी, ये लास्ट तक रहता है, जुलाई अगस्त में पहुंचता है, बहुत लेट में पकता है ये वाला आम। तो देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ किसी को बुलाऊँ या फिर कैसे भी करके पहुँचा लूँ। बड़े मीठे मीठे बहुत हैं ये वाले, बाकी अगर छोटे होते हैं तो बहुत खट्टे होते हैं, छोटे में बहुत खट्टे हैं ये वाले, इसीलिए शायद जब पक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए, आज का ब्लॉगिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और क्योंकि देखिए मौसम ऐसे हुआ रखा है, तो ये मौसम अपना मूड चेंज कर ले, इससे अच्छा मैं इससे पहले ही मैं नहा लूँ, ये अच्छी बात होगी, क्योंकि उसके बाद लाइट चली जाएगी, उसके बाद फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तब तक मैं पानी भी भर लेती हूँ और नहा भी लेती हूँ। आज आज के लिए यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर।